गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, फाइन एंड सेफ होंगे। सो आज मैं बहुत जल्दी ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। मैं बहुत सुबह उठ गई थी, लाइक 8 बजे, एंड अभी बज रहे 10। मैं ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ा बहुत क्या कर रही थी, काम कर रही थी, मैं भूल जाती हूँ, अभी मेरा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया। सो विदाउट एनी फर्दर अडू एंड वेस्टिंग टाइम, चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। एंड अभी मैं क्या कर रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो अभी मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, एंड क्या बना रही हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ बैक कैमरा ऑन करके। तो चलो मेरे किचन में आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या बना रही हूँ खुद के लिए। हाँ, मैं बना रही हूँ वेजिटेबल ऑमलेट एंड ब्राउन ब्रेड। एंड इसमें मैंने सब वेजिटेबल्स डाल रखा है एंड 2 eggs है, एंड विच इज़ वेरी प्रोटीन। एग्स खाना इज़ वेरी गुड। एंड फिर इसके बाद कैप्सिकम, गाजर, टमेटो एंड अनियन एंड थोड़ा सा इतना सा सॉल्ट, बिकॉज सॉल्ट खाना इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। एंड उसके बाद क्या डाला है मैंने, और ये होता है ना ब्लैक पेपर, वो डाला है। सो इसको फटाफट से क्या बोलते हैं, फ्राई कर लेते हैं विद घी। थोड़ा सा घी देंगे, आप लोगों को दिखाऊंगी मैं कि मैं कितना थोड़ा सा घी दे के मैं इसको फ्राई करूँगी। सो कर लेते हैं, गरम होने के लिए रख दिया है। एंड थोड़ा अच्छा ये गरम हो जाए उसके बाद मैं घी डालूँगी एंड उसके बाद एग डालूँगी। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ पतंजलि के घी, एंड थोड़ा सा घी लेंगे लाइक इतना सा। एंड घी खाना इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, इससे कोई फैट वैट नहीं होता है, बट या इट गिव योर ग्लैमरस स्किन एंड व्हाट नॉट, एंड इवन इट मेंटेन्स योर वेट ऑल्सो। सो इतना सा घी, इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे, फिर इसमें एग डालेंगे। जैसे कि नॉर्मल हम लोग अंडा फ्राई करते हैं, हाथ में पूरा लग गया है, इसको फटाफट से वॉश कर लेते हैं। मैंने बढ़िया से इसको डाल तो दिया है, इसको फ्लिप करना इज़ अ टास्क। तो इसको कवर कर करके कुक करेंगे, बिकॉज घी है ना, एंड थोड़ा सा घी था, या फिर आप लोग ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। सो इसको ढक ढक के अच्छे से पकने देंगे, बिकॉज मुझे कच्चे वेजिटेबल्स बिल्कुल पसंद नहीं है, आई लाइक कुक्ड वेजिटेबल्स। एंड इस साइड में चाय बना लेते हैं थोड़ा, बिकॉज चाय के बिना माय मॉर्निंग इज़ अधूरा। सो ये धीरे धीरे होगा एंड इसके बाद आप लोग को फाइनल दिखाते हैं। ये आ गया मेरा ब्रेकफास्ट एंड ये है चाय, एंड इसको मैं इसके अंदर डाल के सैंडविच बना के खाऊँगी। एंड मैंने हल्का से बटर से टोस्ट किया, दैट्स इट। सो या ओके, सो नाउ आई एम शूटिंग एंड ये है मेरा बैकग्राउंड। सो मेरा कैमरा वहाँ पे है लाइक, सो देख सकते हो मेरा सेटअप है, नीचे बैठ के शूट कर रही हूँ। सो फटाफट से शूट कर लेते, दिवाली का मेकअप लुक होने वाला है और उसके बाद आई कैच यू गाइस। मैं आउटफिट वाला छत में शूट कर रहे थे, लुक एट माई हील्स, ये खुल गया है, ये बहुत साल पुराना है, लुक एट लाइक पूरा फ्लैट हो गया है, एक पे हील है लाइक क्या ही बोले, ऐसा अगर हो जाता ऐसे पहन के मैंने शूट किया। सो मैं एंड दिस इज़ द मेकअप लुक, फुल नेचुरल है, कोई इफेक्ट नहीं है, एंड इट इज़ लुकिंग ऑसम, आई जस्ट लव इट। लाइक बहुत सटल फेस है एंड बहुत ईजी भी है ये लुक, मुझ पर अपनी कल या परसों में पोस्ट कर दूँगी। सो स्टे ट्यून्ड। सॉरी जूता आ गया। अभी आए हैं शॉपिंग का बाजार करने, लाइक शूट एंड दिस, फिर उसके बाद पढ़ाने भी जाना है। भाभी वहाँ पे ले रही है, मैं यहाँ पे रख के खड़ी हूँ, देखेगा तो डांटेगा मेरे को। मैं पंखे के नीचे आके खड़ी हूँ, बिकॉज आई एम बैडली एग्जॉस्टेड, पूरा दिन शूट एंड अभी ये एंड फिर पढ़ाने जाओ। मैं पहले जब भी यहाँ पे आती थी, मैं हमेशा ये जो होता है मेयोनीज एंड ऑल ये सब लेना ज़्यादा प्रेफर करती थी, बट नाउ आई नहीं पता क्या लूँगी, देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, लेट्स सी। कॉफ़ी लेना था मुझे, बट कॉफ़ी ऑलरेडी घर पे है, सो लेट्स सी क्या लेती हूँ। एक कॉफ़ी ले लूँगी, बिकॉज समटाइम्स आई हैव ब्लैक कॉफ़ी, बहुत अच्छा होता है ब्लैक कॉफ़ी, आई जस्ट लव। हाँ लेट्स सी क्या लिया जा सकता है। और ये ले लिया मैंने पीनट बटर, कॉलेज का मैं पीनट बटर एंड ब्राउन ब्रेड वॉज वन ऑफ माई फेवरेट। एंड फिर से मुझे खाना स्टार्ट करना होगा एंड भाभी वहाँ पे भी सब ले रही है। सो या हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आप लोग सोच रहे होंगे अचानक से फिर गुड मॉर्निंग कैसे हो गया। बेसिकली कल मैं आपके ब्लॉग और कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, बिकॉज मैं कल घर वापस आई पढ़ा के एंड मैं डायरेक्टली एडिटिंग करना बैठ गई। एंड अभी भी मेरा यहाँ पे लैपटॉप रखा हुआ है, आई एम वर्किंग अभी भी। रात को मैं 2 बजे सोई थी, तो समहाउ आई वोक अप आफ्टर 9। आज थोड़ा लेट हो गया, बिकॉज अभी मैं कुछ दिन से थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश कर रही हूँ ताकि पूरा दिन मेरा प्रोडक्टिव रहे। तो 9 बजे का थोड़ा बाद में उठी थी एंड मैं एकदम काम करने बैठ गई। एंड अभी बज रहे हैं, देख सकते हो ऑलरेडी कितने बज रहे हैं, ऑलरेडी 10 बजने को आ रहे हैं, 9:45 हो रहा है शायद, 10:45 सॉरी।
सो या अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी, थोड़ा बहुत काम जो था वो हो गया, मेन काम जो था अब वीडियो को पब्लिश करना, दैट्स इट। कल मैंने इस चैनल में कम्युनिटी पोस्ट किया था कि आज ये वीडियो आने वाला है, मैं भी फिर मतलब कम्युनिटी पोस्ट किया था रिलेटेड टू द वीडियो। सो या फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं एंड रिमेनिंग काम कंटिन्यू करते हैं, एना शूट भी करना है बिकॉज दिवाली आ गया है, मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है। कल मैंने एडिट किया, कल मैंने पोस्ट किया एंड आज भी मुझे वही करना है, आज ही मुझे कंटेंट फिल्म करना है, कल मुझे पोस्ट करना है, तो ऐसा करके ही चलेगा कुछ। सो या फटाफट से कर लेते हैं, फिर आई विल कैच यू गाइस। सो मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, बना रही नहीं, गरम कर रही हूँ एंड ऑलरेडी टाइम देख सकते हो 12 बज गए। आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया, इतने टाइम में कोई ब्रेकफास्ट नहीं करता है, मोस्टली 10 बजे तक। एंड यहाँ पे मैं आज ये वाला खाऊँगी। सो या फटाफट से कर लेते, खा लेते थोड़ा सा खजूर फ्रूट, ये सब ऐड करूँगी या फिर बाद में ही खा लूँगी, अभी ऐसे ही खा ली थी। अभी भी मेरा काम कम्प्लीट नहीं हुआ, अभी मुझे वो करना है, बहुत हेक्टिक जा रहा है। सो फटाफट से कर लेते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट अ मिल्क पर्सन, मुझे मिल्क बहुत बेकार लगता है, तो मैंने कमा के थोड़ा सा लिया है एंड बहुत ही टेस्टी है ये, बहुत ही यम है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है बट बहुत अच्छा है, बहुत यम है, गाइस कैन ट्राई इट डेफिनेटली। इसमें बहुत कुछ है, मिक्सड बेरीज है, मिक्स सीड्स है, बहुत हेल्दी है एंड बहुत ही अच्छा है, सो यू गाइस कैन डेफिनेटली ट्राई, बट थोड़ा एक्सपेंसिव है बट हेल्थ के लिए वेरी गुड। सो खा लेते फटाफट। अभी मैं जा रही हूँ पढ़ाने एंड शूट करना था बट वो नहीं कर पाई थी, क्यों क्या हुआ था आके बताती हूँ एंड आके ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, सब कुछ बताते हैं कि क्या हुआ था एंड वी हैव रीच 500K ऑन मौज, सो हैप्पी। सो आप लोग आके सब कुछ बताते हैं, पहले पढ़ा ले फिर सब। अभी खाओ, मम्मी का बर्थडे नहीं नहीं चलो, मेरा मतलब का चीज़ आ गया है, किशमिश भरे दिए थे किशमिश का जगह दूसरा कुछ देता, काजू देता गुरु। सो या जो मैं बोलने की थी, पढ़ा के घर वापस आ गई हूँ एंड थोड़ा सा बाहर गए हुए थे ये बाबू को लाने एंड मम्मी मेरे लिए हाफ पैंट लेके आई, मम्मी हाफ पैंट है देखो, हाफ पैंट लेके आई घर पहनने के लिए बिकॉज मैं क्या ही बोले, मैं थोड़ी सी होता ना खरीदते नहीं अपने लिए कुछ, तो मम्मी लेके आई है एंड वी हैव कम्प्लीटेड 500K ऑन मौज, मैं स्क्रीनशॉट पर डाल दूंगी, हम सुपर एक्साइटेड, तो इसका भी सेलिब्रेशन होने वाला है, मम्मी को बताते। मम्मी तो एक तो ये लेके आई है एंड मेरा मौज में 5 लैक्स कम्प्लीट हो गया है। मौज में 5 लैक्स कम्प्लीट हो गया है एंड इसका भी सेलिब्रेशन होने वाला है, बर्थडे मंथ भी आ रहा है, बहुत कुछ होगा, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, सब कुछ शेयर करेंगे, अच्छा ही होगा सब। तो क्या अभी कौन सा पैंट है दिखाते हैं आप लोगों को, बैठक तो ये रहा पैंट, मैं शॉर्ट्स ही घर पे पहनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है शॉर्ट्स पहनना, सो दिस इज़ अ पैंट, बहुत ही कम्फी है, सो बहुत ही अच्छा मटेरियल है, थोड़ा एक्सपेंसिव है बट द मटेरियल इज़ वेरी गुड एंड या। तो अभी मैं बैठ के यूट्यूब में वीडियो देख रही थी, मम्मी अभी दौड़ के आई है, मम्मी पूरे गोपाल ने खाया, क्या खाया गोपाल ने, चॉकलेट खाया, तो आप लोगों को दिखाते हैं एक्चुअली हुआ क्या, एक सेकेंड मम्मी को बुलाते हैं। मम्मी के हाथ में इतना सारा चॉकलेट से, ठीक है आप लोगों ने देखा पापा को बैंक के तरफ से मिला था, तो देखो ये चॉकलेट पूरा हार्ड, आप लोग देख रहे हैं पूरा हार्ड है, ये भी पूरा हार्ड है, ये भी मतलब पूरा चॉकलेट हार्ड है, बट यही चॉकलेट पूरा गल गया है, देख सकते हो पूरा गल गया है एंड यहाँ से मम्मी बोल रही है गोपाल है, मम्मी का मुंह में हंसी देखो कितना खुश है एंड ये देखो यहाँ से सच्ची में निकल गया, बहुत स्ट्रेंज है बाबा। हाँ मैंने सोचा मम्मी ऐसे मजाक कर, नहीं देखो सब चॉकलेट टाइट है, यही ऐसा हो गया है, तो मम्मी इतना श्रद्धा और भक्ति से देती है, तो गोपाल ने खाया।